क्वेश्चन पढ़ते हैं. आर ऑन थ्री आइडेंटिकल हाउस इन दिल्ली ऑफ विच सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओ हो, सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई. इसके पास तीन घर है और तीनों क्या बना लिया इसने, सेल्फ ऑक्यूपाइड. यहाँ पे एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा. पिछले क्वेश्चन में कुछ आंसर सेल्फ ऑक्यूपाइड में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ था, मैंने बोला था आगे बता दूंगा, आज मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा. ठीक है ना. आपको इन सभी घर का दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्यूनसिपल टैक्स पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम. कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल थ्री हाउस वर कंप्लीटेड इन सितंबर 2019. तीनों घर कंप्लीट हो चुके थे. आर हैड बोरोड 25 लाख रुपए 9% पर एनम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर टू. द डेट ऑफ बोरोइंग आपका दे रखा है 1/6/2018 को. 18 से 19 में कंप्लीट हो गया. डेट ऑफ रीपेमेंट 30/6/2022 को. भैया इसने लोन का रीपेमेंट भी कर दिया. मैं थोड़ा सा डेट में बदलाव करना चाहूंगा, इसको 2023 करना चाहूंगा मैं. ठीक है ना, ये थोड़ी सी पुरानी बुक से है तो 2000 में, आपके बुक में भी शायद 2023 ही होगा, चेक करो डेट क्या है, ये 2023 ही होना चाहिए. 23 है ना, और ये क्या है 19 है, ये 19 है. तो थोड़ा डेट चेंज नहीं किया मैं, डेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. और बाकी ये वाला होगा, ये क्या है, ये भी 19 ही है, ये 20 है. तो थोड़े थोड़े से डेट एक एक साल आगे बढ़ा दिया है. आगे कहता है 30 लाख रुपए 9% पर एनम कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड हाउस के लिया, और डेट लिया मैंने ये 2019 में, और हमारा घर कंप्लीट हो गया 2023 में. यानी दो लोन ले रखे हैं, घर नंबर एक दो के लिए और घर नंबर थ्री के लिए, हाउस नंबर टू के लिए, हाउस नंबर थ्री के लिए. अब भाई तीनों घर में हम रहते हैं, तो सरकार का कहना है भाई तुम इतने बड़े रईस हो कि तीन तीन घर में खुद रह रहे हो, यहाँ मकान नहीं है लोगों के पास रहने में, तो तुम रेंट दे दो, टैक्स दे दो, हमें मतलब नहीं है. तो वो आपसे टैक्स लेगा. तो इसका करने का तरीका क्या है, एक बार सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, एक बार सबको, पहले सबको लेट आउट मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जीरो ही आना है. तो तीनों को एक बार लेट आउट मान लेते हैं. अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू के हिसाब से दोनों से होने वाला है, तो मैं सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगा न्यू के हिसाब से. ठीक है, मैं आपको सबसे पहले करके दिखाऊंगा न्यू के हिसाब से, क्योंकि मुझे न्यू में बताना है. ओल्ड वाला मैं आपको दे दूंगा सेल्फ करने के लिए. चलिए H1, H2, H3, MV सबको लेट आउट मान रहे हैं. MV क्या है, 3, 3, 3, 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख, यही है. MV के बाद देखा जाए तो SR, FR लेंगे. हाँ, FR क्या है, 3.6 लाख. फेयर रेंट के बाद क्या लेंगे हम, एस आर क्या है, 3.3 लाख और 3.3 लाख और 3.3 लाख. पर एक ही घर का अलग अलग कर देना चाहिए, देखना आपकी बुक में अलग अलग है, सेम ही है, सेम है. चलो यहां पे ER आ जाएगा, 3.3 लाख, 3.3 लाख, 3.3 लाख. और यहाँ पे इसी को GAV बना लेंगे, क्योंकि AR तो होगा नहीं. 3.3 लाख, 3.3 लाख, 3.3 लाख. माइनस क्या कर दो इसमें से पहले, MT. MT क्या कहता है भैया, 20,000 और जीरो, और अच्छा मैंने ऊपर वाला लिख दिया, 30, 10, 20. इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा यहां पे, NAV क्या आएगा, 3,20,000, 3,10,000. अब क्या माइनस करो, 24 A कितना, 30%, 90,000, A 96,000, A 93,000. अब क्या माइनस करो, 24 B, भाई पहले घर में तो जीरो है, दूसरे घर के लिए लोन लिया है, तो हम निकाल लेते हैं यहां PCP, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. दूसरे घर के लिए डेट ऑफ बोरोइंग क्या है लोन लेने का, 1/6/2019, और ये साल खत्म हो जाएगा हमारा 31/3/2020. खत्म हो जाएगा हमारा कब, 31/3/2020. इसके बाद हमारा चालू होगा 1/4/2020, और घर कंप्लीट हो जाएगा हमारा बनके कब, 30
9/2020 को मेरा, सबके आगे डेट मैंने लिख दिया ऑल्दो, ठीक है, 2020 में, यानी ये वाला जो साल होगा इस साल में तो मैंने घर को कंप्लीट कर लिया, तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी होगी मैंने, तो पीसीपी जो होगा वो सिर्फ यहां से लेके यहीं तक का होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और लोन का रीपेमेंट करा 30/6/2023। चलिए पहले तो पीसीपी देख लेते हैं, पीसीपी कितने महीने का हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए, 9-10 महीने का। तो पीसीपी के हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख इंटू में 10/12 इंटू में 9/100 और इंटू में 1/5 क्योंकि इसका बेनिफिट हमें 5 सालों तक मिल जाता है, तो 25 लाख का 9% 12 × 10/5 तो ये आ गया 37,500। कितने आ गए, एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, 37,500। ये अब करंट ईयर की बात कर रहे हैं हम, टैक्स कब के लिए निकाल रहे हैं सर, टैक्स निकाल रहे हो सर 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक का आपको टैक्स निकालना है, टैक्स कर निकालने का। लेकिन हमने पूरे साल लोन लिया होता अगर तो हम क्या करते थे, फुल ईयर का निकाल देते थे, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने लोन का पेमेंट साल के बीच में ही कर दिया, कब रीपेमेंट कर दिया हमने लोन का, 30/6/2023 में, यानी अप्रैल में मेरे पास लोन था, मई में मेरे पास लोन था, जून में मेरे पास लोन था, क्या जुलाई में मेरे पास लोन था, क्या जुलाई में लोन था मेरे पास, क्योंकि मैंने रीपेमेंट कब कर दिया, इस डेट पे रीपेमेंट कर दिया है, तो जुलाई में लोन था नहीं, तो जिस साल का हम टैक्स निकालने जा रहे हैं उस साल तो 3 महीने बाद लोन रीपेमेंट ही हो गया। तो अब करंट ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा सी वाई का वो होगा 25 लाख इंटू में 9/100 इंटू में 3/12, तो 25 लाख इंटू 9% 12 और 3 56,250, कितने हो गए 56,250। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं तो एक तो 37,500 प्लस 56,250, तो यहां आ गया हमारा 93,750 93,750। ये हुआ अभी हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 3 का देखा जाए तो डेट लगभग लगभग सारा सेम रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव क्या था, 30 लाख रुपए का इसने लोन ले लिया। चलिए तो पीसीपी निकाले 10 महीने का, पीसीपी डेट सेम था 30 लाख का, 10 महीने का निकलेगा 30 लाख का, और 9% रेट भी है, इंटू में 9/100 इंटू में 10/12 इंटू 1/5 और ये हो जाएगा करंट ईयर का, दैट इज हमारा हो जाएगा 30 लाख 30 लाख इंटू में 9/100 और इंटू में 3/12 क्योंकि अप्रैल मई जून 3 ही महीने तो रहा, तो अगर हम 30 लाख का निकाल लें 9% 12 × 10/5 तो 45,000 और करंट ईयर का निकाल लें इंटू में 9% 12 × 3 30 लाख 67,500। तो यहां पे जो बना है क्या हमारा 112,500, तो इसका जो इंटरेस्ट बना हमारा 112,500, समझ रहे हो कितना बना हमारा। अब अगर मैं 93,750 अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं तो ये एक्सीड हो जाता है 2 लाख से, किससे एक्सीड हो जाता है 2 लाख से। अब रूल कहता है कि इन केस आपका लेट आउट है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रूल अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका डीम टू बी लेट आउट है, अगर आपका क्या है डीम टू बी लेट आउट, मतलब वो लेट आउट नहीं एक्चुअल में सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, बस आप अपने टैक्स प्लानिंग के लिए इधर से उधर कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही रहेगा और न्यू रिज्यूम में कोई डिडक्शन नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट कितना रहने वाला है 2 लाख और न्यू रिज्यूम में आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं, ये पहले कौन सा करें, ओल्ड वाला करें नए वाला करें, चलो पहले मैं अब ओल्ड कर देता हूं क्योंकि मैंने यहां कर दिया, नए वाले तो फटाफट हो जाएगा। देखो ओल्ड के अंदर अब मैं यहां पर जो इंटरेस्ट लूंगा 2 लाख 62,50 का कहीं माइनस करना होगा,
तो 6250 में 1125 माइनस कर देता हूं यहां से, तो जो अब ये इंटरेस्ट है ना, देखो मैं मिटा रहा हूं इस इंटरेस्ट को, मुझे मजबूरन लिखना पड़ेगा 106250। अब बच्चे पूछेंगे सर कहां से आया 106250, इन दोनों को 200000 करने के लिए मुझे करना पड़ा उसमें से माइनस, समझे बात आप। तो अब इसको अगर आप जोड़ोगे 93750 तो अब आ रहा है 200000, क्योंकि मैं 2 से ज्यादा नहीं जा सकता, 200000 रुपए की लिमिट है, उसको एक्सीड नहीं कर सकता। माना ये लेट आउट है, लेकिन ये डीम टू बी लेट आउट है, और वो जो नो लिमिट वाला बात है, जो एक्चुअल लेट आउट है उस पर एप्लीकेबल होगा, डीम टू बी लेट आउट पे एप्लीकेबल नहीं होगा वो 200000 वाली बात, समझे बात आप। यहां पे तो यहां पे आपको यहां पे ये आ गया, और चलिए पहले तो मैं सोच रहा था कि इससे कर देंगे, लेकिन अब इसी से कर देते हैं। और देखो जब आप ऐसे कर लो ना, तो एक सिंपल सा मैं पहचानने का तरीका बता, वैसे तो एग्जामिनर को सारे सिचुएशन करके दिखाने हैं आपको, लेकिन अगर क्विकली आपको बताना हो तो जिसका सबसे ज्यादा आपका टैक्सेबल आ रहा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये आ रहा है ना, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, बाकी को लेट आउट मान लो, सबसे मिनिमम यही होगा आपका टैक्स ऑल्टरनेटिव में। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे अब हम कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लेते हैं। चलिए हम सिचुएशन नंबर वन, फर्स्ट में क्या कहते हैं, फर्स्ट को क्या मान लो, एसओ एच वन को माना हमने एसओ, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनईवी सीधा जीरो, एनईवी क्या आ जाएगा, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। दूसरा एच टू को क्या मानो, एलओ, तो एच टू के एलओ मानते हैं अगर, तो क्या आएगा, 130250। और H3 को भी क्या मानो, LO, LO क्या है सर, लेट आउट, वो कितना था, 110750। टोटल इनकम यहां पे हमारी कितनी जनरेट हो रही है, टोटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, 130250 प्लस 241 ये जनरेट हो गई। सिचुएशन नंबर टू कर लो सर, सिचुएशन नंबर टू, एच वन को मान लो आप एलओ, एच टू को भी मान लो आप एलओ, और एच थ्री को मान लो आप एसओ। एच वन को जैसे ही एलओ मानोगे तो इनकम होगी 210, और एच टू की इनकम मानी जाएगी आपकी 130250। और एच थ्री की कौन बच्चा बताएगा इनकम कितनी होगी, एच थ्री की क्या इनकम होगी, तो अगर हम देखें एच थ्री की इनकम, तो यहां पे एनईवी जीरो हो जाएगा, एनईवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना है, और इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिल जाना है, इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना है, 200000 ही है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, 106250, क्योंकि 93 तो पहले ले चुके हैं, तो 106250 ये नेगेटिव हो जाएगा एच थ्री का इनकम, समझे ना आप कैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो जीरो होके नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी ओल्ड रिज्यूम से करके दिखा रहा हूं, 210 130 250 माइनस 106250 ये आ गया 234, ये देखो, तो इससे तो ज्यादा ही है। एस सिचुएशन नंबर थ्री, सर एच वन को मानो एलओ, एच टू को मानो एसओ, और एच थ्री को मानो एलओ, तो ये आ जाएगा 230000 सर। एच टू आ जाएगा एसओ में, हमारा माइनस में पहुंच जाएगा, और माइनस में इंटरेस्ट कितना पहुंचेगा हमारा, 93750 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 93750, और एलओ आ जाएगा एच थ्री हमारा 110750, ये तो सबसे ही ज्यादा आ जाएगा। अच्छा 210 लिखना है, चार लाख
14,500, तो विच इज बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा है हैं? अरे हाँ यह तो माइनस होगा ना, वैसे भी बेस्ट ऑप्शन ये तो नहीं है, खैर दो सत्ताईस यही लग रहा है फिर तो, नहीं बेस्ट ऑप्शन 2,27, 2,34, हाँ यही है भाई बेस्ट ऑप्शन, तो सिचुएशन नंबर 3। तो ये किस रिज्यूम से किया है मैंने अभी, ओल्ड से किया है, ठीक है समझ में आइए। अब पहले ओल्ड वाले में बच्चे डाउट पूछ लो, या फिर मैं नया कर दूं फिर इकट्ठा ही पूछ लोगे, न्यू कर दूं क्या, न्यू में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, चलिए नए के तरफ चलते हैं, पीसीपी तो यही रहेगा, और नए रिज्यूम में आपका डीम टू बी लेट आउट है, तो मतलब भैया इंटरेस्ट का डिडक्शन नए रिज्यूम में बोला गया है कि आपका डीम टू बी लेट आउट में ये सब बेकार है, क्योंकि हम इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, समझे बात। हाँ एक्चुअल लेट आउट होता तो दे देते हैं, डीम टू बी लेट आउट में नहीं मिलेगा। तो भैया ये आ गया हमारा 2,10, और ये आ गया हमारा माइनस करो 320 - 96, 224 और माइनस 31,000 माइनस 93,000, 3,10 माइनस 93,000, 217, ठीक है ये हो गया लेट आउट का ऑप्शन। अगर मैं एसओ मानूंगा तो एसओ में तो सब जीरो ही होना है, ठीक है ना, एसओ में क्या होना है जीरो। तो सिचुएशन नंबर 1, H1 को मान लेते हैं SO, H2 को मान लेते हैं LO और H3 को मान लेते हैं LO, तो ये आ गया 0 और ये आ गया हमारा 224,000 और ये आ गया हमारा 217,000, 4,41। ये तो न्यू रिज्यूम के अंदर नुकसान हो गया सर, वो इंटरेस्ट नहीं निकालोगे पीसीपी, ना भाई ना, न्यू रिज्यूम में डीम टू बी लेट आउट में नहीं निकाला जाएगा। सिचुएशन 2, H1 LO, H2 SO और H3 मान लेते हैं LO, तो LO में आ जाएगा 210, SO में आ जाएगा 0 और LO में आ जाएगा 217,000, तो 427,000, अब तो इससे बेटर यही आया। हाँ अरे हाँ, हम क्या करते थे, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हमें दिमाग से निकल गया 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और 1 को, चलो नए में पुराने में भी चेंज कर देंगे अभी, रुक जाओ इससे भी एसओ मानते हैं, ये 0, 217, ये एसओ, जीरो, दिमाग से ही निकल गया 2 को मानना था ना। सिचुएशन 3 क्या हो सकता है बताओ, H1 SO H2 SO, ये तो हो गया, H3 SO माने वो तो हो गया, H3 SO, 2 और 3 SO हो गया, 1 और 3 को SO मानना है ना, इसको LO मान लो और H3 को क्या मान लो SO, 0 0 और 224, तो 200,000, तो लीस्ट ऑफ क्या है हमारा 210,000, ये वाला बेस्ट है।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पीछे वाले जो हम कर रहे थे सिचुएशन, उसमें थोड़ा सा ही एरर हो गया था, हमें दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना था। लो फटाफट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको भी एसओ मान लेता हूँ। तो अगर इसको मैं एसओ मानूंगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट का बेनिफिट, और इंटरेस्ट कितना था हमें 93,750, 93,750 वो भी माइनस में। तो यहां पे जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, सत्रह हजार। ठीक है, अब चलो सिचुएशन नंबर टू में क्या करते हैं, इसको एलओ मान लिया मैंने, इसको एलओ, इसको एसओ मान लेते हैं, इसको एसओ और इसको एसओ। तो अगर इसको एसओ मानेंगे तो हमारे केस में आएगा 93,750, ये नेगेटिव, और वो हमारा है 10,000। थर्ड के अंदर इसको एलओ मान लेते हैं, मिड वाले को इसको एलओ मान लो, इसको एसओ मान लो, और इसको एक बार आप कॉम्बिनेशन, क्योंकि करते करते कई बार ना माइंड से स्किप हो जाता है, एसओ एसओ एलओ, एलओ एसओ एसओ, अब एसओ एलओ एसओ, अलग अलग सिचुएशन हो गया। तो भैया एसओ में क्या आएगा, जीरो। भैया एलओ में क्या आएगा देखना पड़ेगा, अगर दूसरे को एलओ मानते तो कितनी इनकम आ रही है, दूसरे को एलओ माने तो 31,250, 31,250। पर सर इसको एसओ मानोगे तो इंटरेस्ट क्या आएगा, 106,250। ये आ गया 24,000। अब इसमें से बेस्ट सिचुएशन कौन सा है सर, ये सिचुएशन टू जो मैंने बनाया है, लेकिन इसके लिए आपको नीचे नोट देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन द सिचुएशन में सबसे मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी जो बनेगा वो बनेगा हमारा, फर्स्ट हाउस इज लेट आउट एंड सेकेंड आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड और थर्ड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड एज पर ओल्ड रिजिम। और अगर हम यही चीज करने लगे न्यू रिजिम में तो बेस्ट सेकेंड है, फर्स्ट लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड और सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझे बात आप, आपको इसमें नोट मिल जाएगा, एक बार बुक दिखाओ मैं दिखा भी दूं, लास्ट क्वेश्चन था ना। पहले हमारा न्यू है, ओल्ड है 31,250। चलिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकते हैं। पता कैसे चलेगा डीम टू बी लेट आउट होगा, जब दो से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डीम टू बी लेट आउट वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जब आपके पास दो से ज्यादा क्या हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो डीम टू बी लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। यस रौनक बताइए, बताइए आ रही है वॉइस मेरी, बताइए फटाफट क्या डाउट है।
बताइए डाउट। आप वॉइस आ नहीं रही थी रौनक आपके, अब दोबारा हैंड रेज करिए। हाँ जी बताइए, मेरी वॉइस आ रही है आपकी नहीं आ रही? मुझे एक बार स्पीकर देखिए, ऑन करिए आपके वहां से, क्या पता म्यूट हो। नहीं आ रही शायद वॉइस। सर एक बार डीम टू बी लेट आउट मतलब फिर से बता दीजिए। बच्चे कह रहे हैं डीम टू बी लेट आउट, क्या नया वर्ड बोल दिया सर आपने? अच्छा वाला चैप्टर आ रहा था, अब ये पता नहीं कुछ नया। देखो आपके घर एक है, आपका एक घर है, सरकार कहती है ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दो घर है, सरकार अब भी कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी खुद ही रह रहे हो बोलते हो और ये भी खुद ही रह रहे हो, तो सबसे पहले आप दो घर लेके खुद ही रह रहे हो, ये कैसा मतलब है? और मान लो तो सरकार ने कही चलो यार तुम ज्यादा अमीर हो गए तो दो घर में रह लो, लेकिन आपने कहा मेरे पास तीन घर है और इसमें भी मैं खुद ही रह रहा हूं, तो सरकार ऐसा कहती है कि भैया दो घर तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुम रहोगे, अगर दो से ज्यादा घर हुए ना आपके पास तो हम मान लेंगे उसको डीम टू बी लेट आउट। उसको क्या मान लेंगे हम? लेट आउट। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसको हम मान लेंगे लेट आउट। अब ऐसे सिचुएशन में आपका कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि आप लेट आउट कौन सा मानेंगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती है हमने आप पे छोड़ा, आपका मन करता है इसमें रह रहे हो, इसको रह तो तीनों में ही रहे हो, आपका मन करता है इसको लेट आउट मानो, आपका मन करता है इसको लेट आउट मानो, आपका मन करता है इसको लेट आउट, तो आप चालाकी क्या दिखाओगे, जहां सबसे टैक्स कम बनेगा उसको लेट आउट मान लोगे। तो ऐसे केस में क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट। अब चलो एक केस मैं आपसे पूछता हूं, वैसे केस स्टडी आगे देखो। मान लो एक घर है, इसका नंबर 101, एक और घर है इसका नंबर 102, और एक और घर है इसका नंबर 105। तो बट ऑब्वियस है ये दोनों घर जो है, ये दोनों घर एकदम साथ साथ हैं, ये दोनों घर कैसे हैं, और ये थोड़ा सा इससे दो मकान बीच में, तीन मकान बीच में छोड़ करके ये हैं। आपने क्या करा, इस घर के अंदर ये वाली दीवार हटा दी, ये वाली दीवार हटा दी और इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया आपने, ठीक है। अब आप बोलते हो सर ये तो मेरा एक ही घर है, ठीक है, कितने घर हो गए? एक, और एक दूसरा है। तो आपने कहा गवर्नमेंट को कि भैया मैं टैक्स क्यों दूं, डीम टू बी लेट आउट वाला मेरे ऊपर कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा? सरकार ने कहा कि दो घर तक चलेगा, दो घर से ऊपर डीम टू बी लेट आउट। तो एसएससी कहता है कि मेरे पास दो ही घर है, एक घर देखो ये मेरा है, अभी मैं इधर आ गया फिर इधर आ गया, एक घर मेरा ये हो गया, एक घर मैंने और आगे ले रखा है। तो आप बताइए, आप बताइए ऐसे केस में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या इसे तीन घर मानना चाहिए या दो घर मान करके एसएससी बच जाएगा, बताइए कमेंट में। बताइए दो घर होगा या तीन घर माने इसको? हाँ जी तो यहां पे गवर्नमेंट कहता है कि अगर आपके घर के नंबर क्या हैं तो आपके तीन घर माने जाएंगे, इसको दो घर नहीं माने जाएंगे और इसको डीम टू बी लेट आउट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बिल्कुल अर्णव का कहना है इसे तीन घर माना जाएगा। गवर्नमेंट चलती है किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट चलती है हाउस नंबर के अकॉर्डिंग जो वहां पे अलॉट होता है। पीसीपी की कैलकुलेशन, पीसीपी की कैलकुलेशन देखिए आप,
पीसीपी की कैलकुलेशन में ये तो हमारा घर बन चुका था इस घर पे, तो यहाँ के लिए तो इंटरेस्ट निकालेंगे नहीं क्योंकि घर इस डेट पे बना तो इस साल टैक्स दे दिया। इससे जस्ट पहले जहाँ तक लोन लिया था तो काउंट करा मैंने तो 10 महीने होंगे, यहाँ से यहाँ काउंट करोगे 10 महीने होंगे, तो 25 लाख पे हमने 10 महीने का 10/12 कर लिया, 9/100 कर दिया, 1/5 जो है वो रूल के अकॉर्डिंग हमें 5 साल में डिवाइड करना होता है, तो हमारा ये पीसीपी निकल के आ गया। क्लियर?